प्यारे लोगों, मेरी मां बोली पंजाबी है ते पंजाबी च मैं बेहतर बोल सकता, पर साडे हरियाणे तो भी भाई भैन छोटे वड्डे आए हुए ने ते राजस्थान तो भी ते होर सूबियां तो भी आए हुए ने। इस करके मैं पहला बेनती करता कि मैं कोशिश करूंगा कि मैं हिंदी च बोला ताकि सानू मतलब होर भी साडे भाई भैणां नू समझ आ सके। आज का दिन जो जिस दिन हम यहाँ पे जुड़े हैं, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो दोनों बेटे छोटे बेटे उनकी शहीदी का ये जो दिन है, जब हम इसके बारे में सोचते हैं तो दो चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। पहला है शेर खान मलेरकोटला, जो गुरु साहब के बच्चों के लिए आह का नारा मारता है, बोलता है कि ये बच्चे हैं इनको नहीं मारना चाहिए, वो हमारे दिमाग में आता है। दूसरे हैं दीवान टोडरमल, जो अपना सब कुछ दांव पे लगा के बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए जमीन खरीदते हैं। और तीसरे हैं बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनका जो इतिहास है, जब गुरु गोविंद सिंह ज्योति जोत समाने से पहले, हमें जब वो छोड़ के जाने से पहले बंदा बहादुर को पंजाब हरियाणा और राजस्थान की तरफ भेजते हैं कुछ मुट्ठी भर लोगों के साथ, तो वो महाराष्ट्र से शुरू करके लोगों को अपने साथ मिलाते हुए महाराष्ट्र राजस्थान फिर वो हरियाणा की इस महान धरती पे आते हैं और यहां से वो अपना अभियान शुरू करते हैं बंदा सिंह बहादुर, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे सतनामियों की बगावत हुई है, यहाँ पे जाटों की बगावत है, यहाँ पे मेवातियों की बगावत है, तो वो बंदा सिंह बहादुर जानते हैं इस बात को, तो वो इन लोगों के साथ बात करते हैं, वो लोग इनके साथ मिलते हैं, या मैं बोलूं कि बंदा बहादुर सिंह उनके साथ मिल जाते हैं, और उसके बाद सोनीपत की लड़ाई है, वो सारा अभियान इस धरती से शुरू होता है। बंदा सिंह बहादुर एक शिकारी है, हम वो इतिहास जानते हैं, लेकिन जब उसने हिरनी के बच्चों को तड़पते हुए देखा तो वो बैरागी हो गया, उसके मन में कुछ दर्द जाग गया। लेकिन जब गुरु गोविंद सिंह महाराज ने उनको अपने बच्चों की शहीदी के बारे में बताया तो क्या दर्द जागा होगा उनके अंदर, हम उसका एहसास कर सकते हैं। लेकिन वो है शिकारी, लड़ने वाला आदमी है, उसके पास हुनर है लड़ने का, लेकिन उसके अंदर दर्द भी है, तो वो दोनों हुनर और दोनों एहसास लेके आता है। तो जब वो महाराष्ट्र से चलता है तो हिंदू मुसलमान सिख सबको मिलाते हुए आ रहा है, और हरियाणा में सडौरा जगादरी वाला पूरा एरिया, ये बल्लभगढ़, बहादुरगढ़, ये सारा आप देखिए, यहाँ पे गुरुद्वारों के जितने गुरुद्वारे हैं आसपास वो बंदा सिंह बहादुर के नाम पे है, बंदा सिंह बहादुर मार गए यहाँ पे, आपने देखा होगा। अब ये एक विरासत है जो बंदा सिंह बहादुर सब लोगों को साथ लेके आ रहा है, और जहां पे भी वो मुगलों से मुक्ति लोग प्राप्त कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, वहां पे वो किसानों को जमीनें बांट रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि जो खेती करेगा उसी की जमीन होगी, ये वो विरासत और ये वो इतिहास अपना साथ लेके आते हैं जो हम तक पहुंचा है। दूसरा इतिहास, वजीर खान भी हमारी विरासत है, वो भी पंजाब में ही पैदा हुआ, पंजाबी ही बोलता होगा, वहीं का है। लेकिन जब हम विरासत की बात करते हैं तो हम बंदा बहादुर का नाम लेते हैं, हम दीवान टोडरमल का नाम लेते हैं, हम शेर खान मलेरकोटला का नाम लेते हैं, हम राव तुल्ला राम रेवाड़ी का नाम लेते हैं, हम सदरुद्दीन मेवाती का नाम लेते हैं, ये लोग हैं जो 1857 की बगावत में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। हमें विरासत देखनी पड़ती है, हम बंदा बहादुर को अपनी विरासत मानते हैं, वजीर खान को विरासत नहीं मानते, हालांकि वो भी इसी धरती पे पैदा हुआ होगा। आज जो जब हम विरासत की बात कर रहे हैं तो भाजपा जो है वो वजीर खान की विरासत से आती है, जो यहां जमीनें छीन रही है, और ये लोग जो बैठे हैं हरियाणा पंजाब या कहीं से भी किसी भी सूबा से ये आए हैं,
और इसी के साथ आप बंदा बहादुर का पूरा रूट देखिए, पूरा रास्ता देखिए कि वो किन लोगों को साथ लेके आ रहा है और दूसरी तरफ वजीर खान क्या कर रहा है, ये हमारा हमें इस इतिहास का भी पता है। तो हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हम बंदा बहादुर के वारिस हैं, हम शेर खान मलेरकोटला का जब वो हा का नारा मारता है तो हम उसको उसका जश्न मनाते हैं। तो मेरी सिर्फ ये बेनती है कि हम इस विरासत के साथ हमें डटना है, यहाँ पे जो लड़ाई है वो जारी रखनी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।